सोलन शहर में बच्चों को उठाने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है, जो बेखौफ होकर सोलन में घूम रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब दिन दिहाड़े एक व्यक्ति के घर में घुसकर ये गिरोह एक बच्चे को अगवा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी उन पर बच्चे के पिता की नजर पड़ गई और उठाव गिरोह ने भागने का प्रयास किया, लेकिन इतने में पिता ने शोर मचा दिया और इस गिरोह में से एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सोलन शहर में बच्चों को उठाने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है, जो बेखौफ होकर सोलन में घूम रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब दिन दिहाड़े एक व्यक्ति के घर में घुसकर ये उठाए गिरे एक बच्ची को अगवा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी उन पर बच्चे के पिता की नजर पड़ गई और उठाए गिरोह ने भागने का प्रयास किया, लेकिन इतने में पिता ने शोर मचा दिया और उठाए गिरोह में से एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अधिक जानकारी देते हुए पिता ने बताया कि जब वह नहा रहा था तब उसे जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वह मेरी बेटी की ओर बढ़ रहे थे, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उन्होंने भागने का प्रयास किया। उनमें से एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया। इतने में आसपास के लोग भी आ गए और उसे तब तक पकड़ा रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। पिता ने बताया कि अगर वह थोड़ी देर बाद आता तो शायद बेटी को उठा ले जाते। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह बहुत देर बाद पहुंची। ये आज सुबह की बात है, मैं खेल के आया, प्रैक्टिस करके आया मैं, तो उसके बाद मैं घर में घुसा तो मेरे को एक आवाज़ आई बाहर से। मैं जैसे बाथरूम में था तो मेरे को आवाज़ आई कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मेरे घर के बाहर आके मेरी वाइफ से बात कर रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा धर्म धुरुम की बातें कर रहा है। सर मेरे को वहीं डाउट हो गया, कुछ गड़बड़ है, सुबह सुबह इतना कौन आता। तो जैसे ही हमने देखा तो मेरी वाइफ का ध्यान आना गया, उसने देखा कि वाइफ जरा सी मेरी मतलब उस कमरे में गई है, साथ वाले कमरे में गई है। उसने अचानक से दरवाज़ा खोला और बच्चे की तरफ बढ़ाओ, तो बच्चे की तरफ जैसे ही बढ़ाओ वैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा बच्चे को पकड़ रहा है, तो वो मेरे को देखते ही भागा। तो जैसे ही मैं उसके पीछे भागा, क्योंकि मैंने ऊपर से टी शर्ट नहीं पहन रखी थी, तो मैं वैसे ही उसके पीछे भागा तो ऊपर, तो उसको वो तीन जने थे, दो जने भाग गए वहाँ से और एक जना मेरे हाथ आ गया। जैसे वो एक जना हाथ आया तो जैसे अब मैं बचाव के लिए तो मैं वही करूँगा कि मैंने उसको थोड़ा सा मारा पीटा और जो मैंने करा उसको जो करना था। और पुलिस भी काफ़ी देर से पहुँची है, पुलिस को हमने मतलब 8:20 के करीब फ़ोन किया तो काफ़ी देर से पहुँची है पुलिस भी। मतलब एक तो एकदम होना चाहिए कि एकदम आपको एक्शन लेना चाहिए कि जैसे इतनी बंदा हमने पकड़ा है, मेरे साथ मैं अकेला हूँ, ऐसा वैसा है, साथ के लोग बता रहे कि दो तीन दिन से कॉलोनी में चक्कर काट रहा है, जैसे कर रहा है, तो अगर आज मैं नहीं होता तो आज शायद मेरा बच्चा वो उठा के ले गया होता, कि मेरी वाइफ घर पर अकेली होती तो 100% था कि मेरी वाइफ वो बच्चे को उठा के ले गए होते। और 1.5 साल का बच्चा किसको क्या बोलेगा, कहाँ जाएगा, क्या बोलेगा। पर ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे हरकतें हो रही हैं चारों तरफ, जैसे बच्चे वगैरह उठ रहे हैं, पूरा गिरोह आया हुआ है जैसे यहाँ पे, तो अगर कोई भी थोड़ा सा इनको लगता है, कोई इन कंप्लेंट करता है, किसी के लिए भी कंप्लेंट करता है, एटलीस्ट उनके आके आईडी चेक करें। उसके पास कोई आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। जितना ये लोग यहाँ पे चलानों पर ध्यान दे रहे हैं, जितना ये लोग बस इनका ध्यान क्या है, लाइसेंस होना चाहिए, चलान करो, ये करो, टारगेट पूरे करने से अच्छा पहले लोगों की आप सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। ध्यान रखिए हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, ऐसे तो कुछ भी सेफ नहीं है, और कल को कुछ कुछ होता है तो कौन जिम्मेवारी लेगा। सोलन शहर में गोलियां चल रही हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, यहाँ सब अब ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया है।